क्रिमिनल है डॉक्टर, तो उनको कहा ही नहीं जाएगा। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चला देते। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। चार्जशीट द्वारा असली कातिल का पता लगते ही कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अब बहुत जल्द डॉक्टर बेटी के दरिंदे को सजा मिलने वाली है। अब बहुत जल्द हमारी डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलने वाला है। चार्जशीट द्वारा कोर्ट ने जिसे असली कातिल बनाया है उसे जानकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि आखिर एक आदमी इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। 3 महीने बाद ऐसा खुलासा हुआ है। एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, यह खुलासा ऐसा है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई चार्जशीट में क्या कुछ मिला है उसका पूरा सच सामने आ गया। अब हमारी डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए। आरजी कर केस में डॉक्टर के साथ फिर हुई बड़ी साजिश। डॉक्टरों ने लगाया सीबीआई चार्जशीट में खामियों का आरोप। जूनियर डॉक्टरों का बड़ा प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार नहीं कर पा रही है डॉक्टर्स के साथ न्याय। लगातार हो रही देरी से बुरी तरह नाराज हो गए डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, लगता है ममता बैनर्जी से पश्चिम बंगाल संभल नहीं रहा है, तभी तो लगातार लोगों में गुस्सा आ रहा है। डॉक्टर परेशान हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरजी कर अस्पताल में सहकर्मी की हत्या और बलात्कार के मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में गंभीर खामियों का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के नेतृत्व में यह प्रदर्शन न्याय की मांग के लिए किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि साक्ष्यों को एकत्र करने के बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने में 5 दिन क्यों लगे। उन्होंने चार्जशीट में इस देरी का जवाब न मिलने पर नाराजगी जताई। डॉक्टरों का मानना है कि इस तरह की देरी से जांच और पीड़िता को न्याय मिलने में बाधा आ सकती है। WBJDF ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में कई अहम जानकारियों की कमी पर भी सवाल उठाया। एक प्रमुख मुद्दा यह है कि चार्जशीट में मुख्य आरोपी संजय रॉय के उन 27 मिनट के दौरान की गतिविधियों का जिक्र नहीं किया गया, जब 3:36 से लेकर 4:03 तक पीड़िता का शव मिला था। डॉक्टरों का मानना है कि इस समय में हुए घटनाक्रम से अहम सुराग मिल सकते थे, लेकिन चार्जशीट में इसे शामिल ही नहीं किया गया। डॉक्टरों ने चार्जशीट में एक अहम फॉरेंसिक सबूत के अभाव को लेकर भी चिंता जताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर पाए गए सफेद चिपचिपी तरल का उल्लेख है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सवाल किया कि क्या इसका DNA परीक्षण किया गया। चार्जशीट में इस सबूत का जिक्र न होने पर भी जांच में सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सीबीआई की चार्जशीट ज्यादातर कोलकाता पुलिस की प्रारंभिक जांच पर आधारित है, जिसने इस मामले की जांच सबसे पहले शुरू की थी। बाद में कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। डॉक्टरों ने पूछा कि क्या सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले कोई गहन जांच की, क्योंकि उन्हें लगता है कि कई अहम सबूत इसमें शामिल किए ही नहीं गए। आपको बता दें, यह विरोध प्रदर्शन जिसमें हजारों लोग शामिल हैं, कोलकाता के उत्तरी हिस्से में स्थित सीबीआई के सॉल्ट लेक कार्यालय के बाहर किया जा रहा है। WBJDF ने मामले में पूरी और शीघ्र जांच की मांग की है, ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और पीड़िता को न्याय मिल सके। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस मामले में दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि आरोपी संजय भी यही कह रहा है कि ममता सरकार उसे फंसा रही है। ममता सरकार ने उसे अपनी बोलती बंद रखने को कहा है। पुरा
ममता सरकार ने उसे धमकी दी है, तो आखिरकार ममता बनर्जी क्यों नहीं चाहती कि इस मामले का सच सामने आए? ममता बनर्जी की सरकार आखिरकार संजय रॉय को क्यों धमका रही है? या फिर संजय रॉय इस मामले में झूठ बोल रहा है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है? कुल मिलाकर यह मुद्दा लगातार बंगाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। सभी सियासी नेता इस मुद्दे पर सियासी रोटियां भी सेक रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के वरिष्ठ नेता अधीर चौधरी ने कहा कि संजय रॉय के दावे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसकी जांच की जानी चाहिए। हम कहते रहे हैं कि ऐसा अपराध किसी एक व्यक्ति की ओर से संभव नहीं है, यह सामूहिक अपराध है। हमें नहीं पता है कि सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच कोई गुप्त गठजोड़ है या नहीं, हमें संदेह है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि पुलिस की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। पिछले महीने पेश प्रारंभिक आरोप पत्र में सीबीआई ने रॉय को मामले में एकमात्र मुख्य आरोपी बताया था। इस बीच आरजीकर अस्पताल में ही भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अलीपुर की विशेष अदालत को बताया कि अपराध के पीछे गहरी साजिश है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य की ओर से गठित विशेष जांच दल एसआईटी से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। इस बीच नागरिक समाज संगठनों ने करुणामयी क्रॉसिंग से साल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय तक रैली निकाली और मांग की कि एजेंसी आरजीकर हत्या मामले की जांच में तेजी लाए। इस मार्च में हिस्सा लेने वाली स्कूल अध्यापिका लिपिका चक्रवर्ती ने कहा कि घटना को लगभग 3 महीने हो चुके हैं। सीबीआई क्या कर रही है? उसकी जांच में कोई स्पष्टता नहीं है। हम चाहते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है, हालांकि पुलिस इसमें सहयोग नहीं कर रही है। हमें धैर्य रखना चाहिए। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने अपराध का पता चलने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पूर्व राज्यसभा सदस्य घोष ने कहा कि सीबीआई ने भी अपने आरोप पत्र में उसे एकमात्र मुख्य आरोपी बताया है, इसलिए जब जांच चल रही है तो टिप्पणी करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी ने कोर्ट में पहली बार कैमरे के सामने अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान उसने कहा कि वो पूरी तरह से निर्दोष है, उसने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है, उसे फंसाया गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट में कहा, मैंने बलात्कार और हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है, सरकार ने मुझे फंसाया है, उन्होंने मुझे चुप रहने की धमकी दी है, मेरे विभाग कोलकाता पुलिस ने मुझे धमकाया है। नवंबर से कोर्ट अब रोजाना इस मामले में सुनवाई करेगी। दरअसल सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को ही असली अपराधी बताया है। इसके साथ ही इस केस को गैंगरेप की बजाय रेप बताया है। इस चार्जशीट के अनुसार सिविक वॉलंटियर संजय रॉय ने ही वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता से लिए गया सीमन का सैंपल उससे मैच हो चुका है। सीबीआई ने दावा किया कि सीएफएसएल रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि सीमन संजय राय का है। कई भौतिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर साबित होता है कि वारदात को उसने ही अंजाम दिया है। इस घटना के 24 घंटे के भीतर ही कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि 9 अगस्त को क्राइम सीन से मिले छोटे बाल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। रिपोर्ट में ये बाल संजय रॉय के बताए गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो जो बात कोलकाता पुलिस ने करीब 2.25 महीने पहले कही थी, वही बात सीबीआई ने कहा है। करीब 400 गवाहों, 42 पॉलीग्राफ टेस्ट, सीसीटीवी कैमरों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन, ईयरफोन और आरोपी के बयान के बाद चार्जशीट फाइल की गई है। इसमें सीबीआई ने भी ये साफ कर दिया है कि ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ था, ना कि ट्रेनी जूनियर डॉक्टर का कत्ल एक अकेले संजय रॉय ने किया था, इसके पीछे किसी और की साजिश नहीं थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस केस को सुलझाने में
तीन चीजें सबसे अहम साबित हुई हैं। इनमें पहली अस्पताल के सेमिनार रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे से मिली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में 9 अगस्त की सुबह 4 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर जाता दिखाई देता है। आधे घंटे बाद वो बाहर निकल जाता है। इस दौरान सेमिनार हॉल में संजय के अलावा ना और कोई दूसरा गया ना बाहर आया। दूसरी, सेमिनार हॉल से मिला संजय रॉय का मोबाइल का ईयरफोन जो बाद में उसी के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था। तीसरी सबसे अहम चीज फॉरेंसिक रिपोर्ट थी। ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के नाखून में मिले खून से संजय का डीएनए मैच कर गया। इसके अलावा सीमन का डीएनए भी संजय से मैच कर गया था। प्राइवेट पार्ट से भी संजय का ही डीएनए सैंपल मिला था। चार्जशीट के मुताबिक वारदात वाली रात संजय रॉय ने काफी शराब पी रखी थी। उसी नशे में वो रात करीब 4 बजे अस्पताल के तीसरी मंजिल पर पहुंचा। इस बात से अनजान कि सेमिनार हॉल में ट्रेनी जूनियर डॉक्टर सो रही है, वो सेमिनार हॉल में पहुंच गया। वहां उसे ट्रेनी डॉक्टर दिखाई देती है। इसी के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। डॉक्टर खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो उसका मुंह और गला दबाने लगता है। चार्जशीट के मुताबिक संजय रॉय ने जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ किया तब वो बेहोश थी। पीड़ित के जिस्म पर 6 बाहरी और 9 अंदरूनी चोट थी। खुद को बचाने के दौरान उसने संजय पर हमला भी किया था। इसकी वजह से खरोंचने के दौरान उसके नाखून में उसका ब्लड आ गया था। संजय के हाथ और गर्दन पर भी खरोंचे जाने के निशान थे। इसका वो सही सही जवाब नहीं दे पाया था। फिलहाल कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन आज भी लोग सीबीआई के जांच पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर बेटी के साथ हैवानियत की गई थी, वो एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या इस मामले में संजय रॉय ही अकेला दोषी है, या फिर पुलिस और सीबीआई असली कातिल को बचाने की कोशिश कर रही है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।